हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं प्रेमचंद प्रजापति और मैं हूं एक सर्टिफाइड फार्मासिस्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को डेंगू फीवर हो गया है तो उसके क्या कॉजेज होते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और व्यक्ति में कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है या कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि डेंगू फीवर जो है वो होता क्या है। दोस्तों, यह एक इन्फेक्टियस फीवर है जो 7 दिनों तक रहता है। यह फीवर मादा एडीज मच्छर के काटने के 5 दिनों बाद होता है। ऐसे पेशेंट के ब्लड में डेंगू वायरस बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। आप जानते हैं इसके कॉजेस के बारे में कि इसके क्या क्या कारण होते हैं। तो इसका जो कारण होता है मादा एडीज मच्छर होते हैं। इस रोग का प्रमुख कारण है डेंगू वायरस और डेंगू फीवर जो है वो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। आप जानते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। लो प्लेटलेट्स काउंट लेस देन 150,000, यानी कि प्लेटलेट्स की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। इसमें फीवर जो है वो 100 डिग्री से 102 डिग्री फॉरेनहाइट रहता है। और इसके अलावा बॉडी एच एंड ज्वाइंट पेन यानी जोड़ में दर्द रहता है। सोर थ्रोट यानी कि गले में भी दर्द रहता है। नाउजिया और वोमिटिंग यानी जी घबराना और उल्टी जैसी समस्या भी रहती है। और ब्रैडीकार्डिया यानी कि हृदय गति जो रहती है वो धीमी हो जाती है। डायरिया एंड एनोरेक्सिया यानी दस्त भी रहता है और भूख भी कम लगता है। और इसके अलावा डायसूरिया यानी पेशाब में जलन भी रहता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज भी रहता है। फोटोफोबिया यानी उजाले में जाने से डर लगता है। तो दोस्तों, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं डेंगू फीवर के जो आपको नजर आ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में। IM इंजेक्शंस आर कंट्रा इंडिकेटेड यानी कि मांसपेशी में इंजेक्शन भूल कर भी ना लगाएं। IV फ्लूइड दें एंड ओरल फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा दें। और इसके अलावा दोस्तों, बुखार को कम करने के लिए टैबलेट कॉलपोल जिसमें कॉम्बिनेशन है पैरासीटामॉल 500 mg की टैबलेट आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वोमिटिंग और नाउजिया को कम करने के लिए आप टैबलेट रैंटेक डी दे सकते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन है रैनिटिडिन एंड डोम्प्रिडोन। इसको रोजाना 1 गोली 1 वीक तक आप दे सकते हैं। और एंटीबायोटिक के तौर पर आप कैप्सूल मॉक्सिकाइंड CB जिसमें कॉम्बिनेशन है एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोविनेट, इसको आप 1 गोली सुबह और शाम दे सकते हैं। और इसके अलावा टैबलेट फेब्रेक्स प्लस जिसमें कॉम्बिनेशन है पैरासीटामॉल फेरेनिप्रिन एंड क्लोरफेनामाइन, 1 गोली सुबह दोपहर और शाम दे सकते हैं। और CVRT में आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन दे सकते हैं। वो इंजेक्शन है एगुमेंटिन 1.2 ग्राम, इसमें कॉम्बिनेशन है एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोविनेट, इसको रोजाना 1 इंजेक्शन आप दे सकते हैं। और पेन को कम करने के लिए जो पेन किलर इंजेक्शन देते हैं वो है कीटोजेन 1 AMP जिसमें कॉम्बिनेशन है कीटोरोलैक एंड ट्रोमेथामाइन, इस इंजेक्शन को आप मांसपेशी में लगा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इन केस ऑफ ब्लीडिंग अथवा प्लेटलेट्स काउंट 10,000 से कम होने पर IV प्लेटलेट्स इन्फ्यूजन देना चाहिए। और अगर पेशेंट को तब भी रिलीफ ना मिले तो पेशेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर सेंटर रेफर करना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। यदि इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।